क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं होममेड टोमेटो केचप। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। टमाटर लिए कटे हुए 1 किलो, चीनी लिए हमने 100 ग्राम, सिरका लिए हमने 1/2 कप, 3 जवे लहसुन के लिए हैं, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, छोटी आधी कटी हुई प्याज ली है, 2 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 2 दाने लौंग के लिए हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक लिया है और साथ में हम मलमल का कपड़ा लेंगे। एक बर्तन में कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब इसे हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जो पानी होगा वो हम नहीं डालेंगे, टमाटर का पानी खुद छोड़ेगा और उस पानी में हम इसे पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, उठा के देखेंगे। ये देखें, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे कवर करके। दस मिनट हो चुके हैं, अब देखेंगे उठा के। ये देखें, टमाटर सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो इसे उतार लेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे, अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये ब्लेंड हो गया, अब इसे निकाल लेंगे, कोई सी जाली लेंगे उसमें से छान लेंगे। जिसके बीच और छिलके होंगे वो जाली में आ जाएंगे। ये देखिए, ये सारा प्यूरी निकल आई है, छिलके और बीज हैं वो अलहदा हो गए हैं और प्यूरी जो नीचे निकल आई है। अब इसे हम फेंक देंगे छिलकों को। अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे, अब इसे डाल देंगे। मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें ये डाल देंगे दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, साथ में ये प्याज, लहसुन के जवे और अदरक का टुकड़ा, ये डाल के एक पोटली बना लेंगे। ये पोटली बना ली, इसको हम टमाटो प्यूरी में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, साथ में डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल देंगे सिरका और इसे मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे चीनी। अब इसे हम 15 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसे पकाएंगे। अब पंद्रह से 20 मिनट मैंने इसे पकाया है। ये देखिए, टमाटो केचप हमारी तैयार है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि कोई सा बर्तन लें, उसमें आप ये थोड़ा सा ड्रॉप्स डालें इसका, ये देखें, अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसका मतलब ये भी कुक नहीं हुई, इसे थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ये कुक हो चुकी है। तो अब इसे हम निकालेंगे, इस कपड़े को हम निकाल लेंगे जो हमने डाला था इसमें। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब इसे निकालेंगे, अभी भी ये गर्म है, तो ये थोड़ी सी बची है, इसे हम केचप की बोतल में डाल देंगे। होममेड टमाटो केचप तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी इजी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।